अल्पसंख्यकों पर फोकस करने से किया राजनीतिक परहेज। सपा की इस चाल के पीछे की राजनीति को समझिए। सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े ही राजनीतिक ढंग से अल्पसंख्यकों पर फोकस करने से परहेज किया है। सपा के घोषणा पत्र में कांग्रेस की कई गारंटियां शामिल की गई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए किए गए दोनों के वादों में एक रूपता नहीं है। कांग्रेस ने जहां गरीब महिलाओं के लिए 1,00,000 रुपए सालाना, तो सपा ने 3,000 रुपए प्रति माह यानी 36,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। सपा ने अपने घोषणा पत्र को जनता का मांग पत्र बताया है। अल्पसंख्यक सपा के आधार वोट माने जाते हैं, लेकिन इस घोषणा पत्र की सबसे खास बात यह है कि तीसरे पृष्ठ पर अल्पसंख्यकों का जिक्र है। यह भी जिक्र पीडीए की रणनीति बताने के लिए किया गया है। इसमें कहा गया है कि पीडीए मायने है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं आदि आबादी को अवसरों की समानता और भागीदारी दिलाने के लिए जन आंदोलन। जाने क्या कहते हैं राजनीति के जानकार, समकालीन राजनीति के जानकार और जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण सपा के लिए मुफीद नहीं है। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से खास घोषणा करने से बचा गया है। इसके बजाय जातिगत समीकरण साधने के लिए जातीय जनगणना एससी एसटी व ओबीसी के खाली पद भरने की घोषणा का दाव चला है। संयुक्त रूप से घोषणा पत्र का जारी न करना चर्चा में। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के न्याय व अधिकार सहित कई गारंटियों को शामिल किया है। यूपी में विपक्षी गठबंधन एनडी में सपा और कांग्रेस शामिल है, लेकिन यहां संयुक्त रूप से साझा घोषणा पत्र का जारी न करना चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस की तर्ज पर सपा ने अपने घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सभी को न्याय व हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। सपा ने किसानों को भी साधने की कोशिश की। सपा ने सत्ता मिलने पर अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्गों के सभी खाली पद भरने और निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया है। दूध सहित सभी फसलों पर स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और इसकी कानूनी गारंटी देने की बात घोषणा पत्र में कही है।